बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल फूड ब्लॉग सांगर। आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ एक बहुत ही मज़ेदार पंजाबी स्टाइल ग्रेवी कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बनाना बहुत आसान है, बहुत मज़े की डिलीशियस तरीके से मैं आप लोगों को बनाना सिखाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, शेयर किया करें और लाइक ज़रूर कर दिया करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी ये ग्रेवी चिकन कढ़ाई की रेसिपी। यहाँ पे मैंने ले लिए जी 1/2 kg मैंने चिकन ले लिया, उसको वॉश करके अच्छे से रख लिया है मैंने। साथ ही मैंने 2 बड़ी साइज़ के प्याज ले लिए, उनको चॉप करके रख लिया है। साथ ही मैंने 2 बड़ी साइज़ के टमाटर ले लिए, उनको भी रफली चॉप कर लिया है। गार्निशिंग के लिए मैंने हरी मिर्ची ली। मसालों में मैंने लिया 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून रेड चिली पाउडर, 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1/2 टीस्पून मैंने हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर, नमक हसबे ज़ायका। यहाँ पे अब एक कढ़ाई ले लेंगे। कढ़ाई में हम प्याज को ब्राउन कर लेंगे। लाइट ब्राउन करने के बाद हम इनको कढ़ाई से निकाल लेंगे। इनका हमने पेस्ट बनाना है, वो मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊँगी। ठंडा होने के लिए रख दिया हमने प्याज को। अब इसी ऑयल में आप चिकन ऐड करें और उसको भी अच्छा सा फ्राई कर लें, लाइट सा ब्राउन कलर दे लें और ताकि उसकी हीट ख़त्म हो जाए और वो थोड़ी गल भी जाए। अब यहाँ पे मैं इसमें ऐड करूँगी 1 टेबल स्पून के करीब जिंजर गार्लिक पेस्ट। इसको भी इसके साथ ही आप अच्छे से मिक्स करके कुक कर लें ताकि इसका फ्लेवर चिकन में एनहेंस हो जाए। यहाँ पे हम जो हमने प्याज ब्राउन किए थे और टमाटर, उनको हम ग्राइंड करके पेस्ट बना लेंगे। पेस्ट बनाने के बाद जो हमने चिकन फ्राई किए उसमें हम ये सारा पेस्ट शामिल कर देंगे। पेस्ट शामिल करने के बाद इसमें मैं मसाले ऐड करूंगी और इसकी अच्छे तरीके से भुनाई करूंगी जब तक कि इसका पानी खुश्क नहीं हो जाता। टमाटर अब 1/2 कप के करीब मैंने इसमें दही भी शामिल की थी और इसका पानी खुश्क होने तक इसको अच्छे तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद हमारी जो पंजाबी चिकन कढ़ाई ग्रेवी रेसिपी है वो तैयार है, क्योंकि चिकन भी गल चुकी है और मसाला भी भुन चुका है। अब मैं इसकी गार्निशिंग कर लूँगी ग्रीन चिली के साथ, हरे धनिया के साथ। लग रही ना मज़ेदार हमारी पंजाबी चिकन ग्रेवी कढ़ाई? उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी मेरी रेसिपी। पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमें बहुत अप्रिशिएट करता है। नान के साथ सर्व करें, चपाती के साथ, और इंजॉय करें। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट रेसिपी में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।